तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो मैं बताऊंगा आप एडसेंस का एक अल्टरनेटिव जो कि बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को अर्निंग देने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो SEO ब्लॉग लर्नर चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस घंटे के बटन पर क्लिक करके ऑल का बटन पर जरूर टिक करना ताकि नई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आप लोगों को देखने को। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले एक बार अकाउंट बनाने देख लीजिए और फिर कैसे अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को वेबसाइट है किसी भी प्रकार की है, उसमें अगर आप लोगों का अप्रूवल नहीं मिला एडसेंस अप्रूवल, तो आप लोगों को ये वेबसाइट हेल्प करेगी। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे साइन अप का एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आई एम अ पब्लिशर यानी कि अगर आप लोगों को अपने वेबसाइट को मोनेटाइज करना है, अर्निंग करनी है, तो साइन अप के बटन पर क्लिक करना है पब्लिशर के अंदर। और फिर आप लोगों को इंडिविजुअल या कंपनी आप लोगों को देख लेना है अपना। तो आप लोगों को इंडिविजुअल अगर आप खुद यूज कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, अपना नाम सरनेम, और फिर आप लोगों को अपना रेसिडेंस, आप लोगों को यहाँ पे अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आप लोगों को अपना सिटी, फिर आप लोगों को अपना एड्रेस शॉर्ट में, और उसके बाद आप लोगों को अपना आईडी वेरिफिकेशन के लिए बोला अगर इसने, तो आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, और यहाँ पर आप लोग कोई भी मैसेंजर अगर यूज़ करते हैं, जैसे इनमें से आप लोग यूज़ यहाँ पे जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर फ़ोन नंबर आप लोग करेक्ट डालना, और ईमेल आईडी में ईमेल आईडी और जैसे डाल करके ये सब कुछ आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा यानी कि अकाउंट बन जाएगा, यानी कि आप लोग लॉगिन होने के लिए अब रेडी है। लेकिन लॉगिन होने से पहले आप लोगों का जो जीमेल आईडी है उस पर एक प्रोपेलर एड्स की तरफ से ही आप लोगों को एक इस तरह का एक्टिवेट योर अकाउंट का मेल आएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट के बटन पर क्लिक करके आप लोगों को अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं आप लोगों को मैं साइन इन करके बताता हूँ। साइन इन जब आप लोग करेंगे, लॉग इन के बटन पे क्लिक करके आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जब डाल लेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब जो भी अगर आप लोगों की अर्निंग हुई होगी वो कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। अब जैसे कि इस वेबसाइट में मेरा $3 का अर्निंग हुआ है, यहाँ पे देख रहेंगे तो टोटल इम्प्रेशन जो है मुझे यहाँ पर 14,000 पड़ा है, 14,000 में से $3 का अर्निंग हुआ है। अब इसको आप लोग कैसे अपने वेबसाइट को इसके अंदर सबमिट करेंगे, चलिए वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को आपका अर्निंग दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे मेन्यू ये है, ये एक इसी में आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइट्स का, साइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने साइट सबमिट करके रखा हुआ होगा वो दिखाई देगा। और यहाँ पर आप लोगों को ऐड अ साइट के बटन पे क्लिक करना है नया वेबसाइट ऐड करने के लिए। तो आप लोगों का जो भी वेबसाइट का लिंक है उसको ऐड करना है, लिंक यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि फ्री डोमेन जो होते हैं वो यहाँ पे नहीं सपोर्ट होगा, टोरेंट साइट है वो भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगी, और आवर रिक्वायरमेंट्स क्या है यहाँ पर जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या ये लोग चीज़ों को अप्रूवल देते हैं, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे जैसे कि इस टाइप की अगर वेबसाइट से जैसे कि blogspot.com यानी कि सब डोमेन, तो इस पे आप लोगों को अप्रूवल नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कि जो भी टॉप लेवल डोमेन है जैसे कि .com .in या xyz उन सब पे अप्रूवल मिल जाएगा, तो उस डोमेन का नाम लिखिए, ऐड अ साइट का बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये जो कोड मिलेगा इंसर्ट कोड के बटन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस कोड को यहाँ पे ये देखिए एक कॉपी का बटन दिया गया है, मैं यहाँ पे वेबसाइट का लिंक नहीं डाल रहा हूँ, अगर डालूंगा तो ये अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो कोड होगा कॉपी कोड के बटन पर क्लिक करना है तो कोड कॉपी हो जाएगा और अपने वेबसाइट में जाना है। जहाँ पर भी आप लोगों की वेबसाइट है वर्डप्रेस में या ब्लॉगर पे है कुछ प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी रहे बस आप लोगों को अपने वेबसाइट में जाना है। और अगर वर्डप्रेस पे है तो आप लोगों को अपेयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर लिखा हुआ दिखाई देगा, अपेयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर, उसके अंदर आप लोगों का जो भी थीम यूज कर रहे हैं उस थीम का नाम दिखाई देगा, उसी में आप लोगों को नीचे आना है यहाँ पे ऐसे, और थीम हेडर लिखा हुआ दिखाई देगा, हेडर डॉट PHP फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर आप लोग क्लिक करते हैं पेज लोड होगा, और लोड हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये एक हेड फाइल है, इसी के नीचे आप लोगों को एक छोटा सा एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने जो लिंक कॉपी किया है यानी कि जो आप लोगों ने कोड को कॉपी किया है ये वाला कॉपी कोड के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा और
कॉपी होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है, तो आप लोगों का जो कोड है कुछ इस तरह से दिखाई देगा या इससे भी बड़ा होगा तो और भी जगह लेगा। ठीक है, आप लोगों को ये लिख देने के बाद आप लोगों को अपडेट फाइल के बटन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग कोई कैचे फाइल यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में तो उसको आप लोग एक बार डीएक्टिवेट कर देना, फिर आप लोग अपडेट फाइल के बटन पे क्लिक करना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कैचे फाइल जो होता है वो सेव नहीं करता है अपने डायरेक्टरी में, तो आप लोगों को एक बार डीएक्टिवेट करके इसको अपडेट कर देना, फिर आप लोग अपने कैचे फाइल को इनेबल कर देना, या आप लोग उसको एक बार अपने कैचे फाइल को पर्ज ऑल कर देना कैचे को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इस वेबसाइट पर अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन के अंदर ये जो वेरीफाई का एक बटन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप लोगों का वेबसाइट जो रिव्यू में चला जाएगा, और 24 से 48 घंटे ये लोग लेते हैं, हो सकता है एक हफ्ता भी लगे, तो आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऐड लगाने का भी ऑप्शन तुरंत मिल जाता है, तो आप लोग ऐड लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऐड लगाने बताऊंगा, तो जो लोग चाहते हैं ऐड लगाना, कैसे ऐड लगाया जाता है, आप लोगों को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो कोड डाला है उसके थ्रू ही ऑटोमेटिक ऐड आना स्टार्ट हो जाता है आप लोगों की वेबसाइट पर। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं मैं डिटेल में बताऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ही। तो इस तरह से आप लोग गूगल एडसेंस का अप्रूवल, अल्टरनेटिव अप्रूवल इस तरह से ले सकते हैं। वैसे तो इसमें इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन कभी कभी अगर टाइम लगता है तो 24-48 घंटे का टाइम लेगा, और आप लोगों का ये जो अकाउंट है प्रोपेलर एड्स का वेरीफाई हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग विजिट जरूर करना। SEO ब्लॉग लर्नर चैनल पर जो लोग पहली बार आए थे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।